हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू यूटिलिटेरियन आई दोस्तों एनवायरमेंट की सीरीज़ में जो नेक्स्ट चैप्टर मैं लेने वाला हूँ उसमें हम लोग करने वाले हैं बायोडायवर्सिटी तो बायोडायवर्सिटी और उसके रिलेटेड जितने भी आस्पेक्ट हैं हम लोग सबको कवर करेंगे प्रॉपरली जिसमें आप अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकें और मेंस के क्वेश्चंस को भी आप इजीली हैंडल कर सकते हो तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं तो फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है इसका मीनिंग क्या है एंड वट इज़ द सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं कि बायोडावर्सिटी के टाइप क्या होते हैं और कैसे इसको मेज़र किया जाता है बायोडावर्सिटी लॉस क्या होता है लॉस होता क्यों है उसके रीज़न क्या है और बायोडावर्सिटी को कंजर्व कैसे किया जाता है यानी कि उसको बचाया कैसे जाए तो जो बायोडावर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको बचाया कैसे जाए बिकॉज बायोडावर्सिटी हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन के कितने टाइप होते हैं और वो कौन से टाइप होते हैं और जिस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है वो कौन कौन से एरियाज़ होते हैं जैसे हमारा नेशनल पार्क हो गया टाइगर रिजर्व हो गया सेंचुरीज हो गया वो सब हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं बायो बायोडाइवर्सिटी रिज़र्व हो गया बायोस्फीयर रिज़र्व हो गया राइट तो कौन कौन से तरीके से कंजर्व किया जाता है और किस तरह से कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ हमारे पास होते हैं उसके अलावा हम लोग एक मैप प्रोग्राम के बारे में देखेंगे मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम जो यूनेस्को ने चलाया था और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है इसकी लिस्ट भी हम लोग देखेंगे इंडिया में जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट पाई जाती हैं उसके अलावा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को भी हम देखेंगे इसका मतलब क्या है कौन कौन से क्राइटेरिया इसके लिए होते हैं और इंडिया में जो है कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं उसके अलावा आयू uh, के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे आई यू की रेड लिस्ट क्या है इसमें कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं उन कैटेगरीज़ में कौन कौन से जो हैं वो ऑर्गेनिज़म्स uh, जो हैं वो इंक्लूड हैं स्पेशली इंडिया के परस्पेक्टिव से हम देखेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में हर साल दूसरे साल जो है यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है तो बायोडावर्सिटी अगर मैं बात करूँ तो हमारे इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडावर्सिटी और क्लाइमेट चेंज ये दो ऐसे यूनिट हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बायोडाइवर्सिटी सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखिए बायोडाइवर्सिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स एक यहाँ पे लिखा है बायो जिसका मतलब होता है लाइफ और एक है डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब होता है वराइटी यानी कि वराइटी ऑफ लाइफ अगर मैं सिंपली इस वर्ड को ही देखूं तो इट्स अ वराइटी ऑफ लाइफ बायोडाइवर्सिटी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल यानी कि जिसमें जो लाइफ की हम लोग बात करते हैं लिविंग कॉम्पोनेंट्स की बात करते हैं ठीक है हमारे इकोसिस्टम का जो लिविंग कॉम्पोनेंट होता है और वो एक वराइटी यानी डिफरेंट तरह की वराइटीज पाई जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग कॉम्पोनेट्स दैट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैं सिंपल वर्ड की बात करूँ तो 1988 में इस वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया गया था बाय एडवर्ड विल्सन एंड ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी उन्होंने सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया था तो इट रेफर्स टू ऑल वराइटीज़ ऑफ लाइफ दैट कैन बी फाउंड ऑन अर्थ अब इसमें सिर्फ हम लोग एनिमल लाइफ की बात नहीं करते हैं हम लोग प्लांट लाइफ की बात भी करते हैं हम लोग एनिमल लाइफ की बात करते हैं फंजाई की बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं चाहे दुनिया में बस एक कंडीशन इज़ ओनली दिस कि वो एक लिविंग होना चाहिए अगर वो लिविंग है और उसकी वराइटी मिलती है अलग अलग देट इज़ कॉल्ड योर बायो डाइवर्सिटी राइट तो बायोडावर्सिटी के टाइप कितने होते हैं कुछ चीज यहां पे देख लेते हैं देखिए आप सभी ने नोटिस किया होगा यू हैव सीन डिफरेंट काइंड ऑफ द वराइटी ऑफ डॉग्स राइट जर्मन शेफर्ड आपने देखा होगा आपने लेबराडोर देखा होगा आपने गोल्डन uh, रिट्रीवर देखा होगा चाओ चाओ देखा होगा देर आर थाउजेंड्स ऑफ वराइटीज ऑफ डिफरेंट डॉग्स बट ऑल ऑफ देम आर डॉग्स all of them are dogs but there are varieties between dogs right different type of varieties of the dogs but species it's the same species but within one species variety is found right or you can take example of cats also different variety of cats are found different variety of cats are found cat is a species इसमें आपका चीता भी हो गया चीता इज ऑल्सो फ्रॉम द कैट फैमिली डिफरेंट टाइप ऑफ कैट्स आर ऑल्सो देयर राइट डिफरेंट वराइटी ऑफ डियर्स आर ऑल्सो फाउंड डिफरेंट वराइटी ऑफ बफेलोज आर ऑल्सो फाउंड है तो सब बफेलो लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वराइटी की हैं अब ऐसा क्यों होता है देखिए ये होता है बहुत ही माइक्रो लेवल पे माइक्रो लेवल पे इन द सेंस जैसे मान लो आप घर बनाते हो तो घर का जो बिल्कुल बेसिक यूनिट होता है जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है हमारा ब्रिक है ना दैट इज आवर ब्रिक अब जो जितने भी अपने आसपास घर देख रहे हो जो बिल्डिंग मटेरियल सब में सेम होता है ब्रिक होता है वही कंक्रीट होता है वही सीमेंट होता है है ना सेम चीज यूज करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हर घर की शेप लुक अपियरेंस उसकी डिफरेंट होती है क्यों क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक को हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से अरेंज किया है बस इतना ही कॉन्सेप्ट है जैसे आपके घर में बिल्डिंग ब्लॉक ब्रिक होता है ऐसे ही जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं लिविंग कॉम्पोनेंट होता है इकोसिस्टम का उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है दैट इज आवर सेल्स है ना और सेल्स में क्या पाए जाते हैं जीन्स जीन्स तो जीन डिसाइड करते हैं कि किसकी अपीयरेंस कैसी होगी उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी उसका हेयर कलर कैसा होगा उसका आई कलर कैसा होगा ये जीन्स डिसाइड करते हैं और जीन्स आपके सेल्स में पाए जाते हैं एंड सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर लिविंग कॉम्पोनेंट्स तो जब जीन्स के अंदर वराइटी होती है तो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी वराइटी पाई जाती है दैट इज कॉल्ड योर जेनेटिक डाइवर्सिटी राइट right? जैसे एक जर्मन शेफर्ड है एक लेबराडोर है डिफरेंट डिफरेंट तरह की वराइटी के डॉग्स क्योंकि इनका जो सेल्स होते हैं इनकी जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसके अंदर वराइटी पाई जाती है तो जीन्स के अंदर वराइटी जब पाई जाती है दैट इज कॉल्ड यूर जेनेटिक डाइवर्सिटी दैट इज कॉल्ड यूर जेनेटिक डाइवर्सिटी तो इट इज अ वेरिएशन इन द जीन्स विद इन द स्पीसी है ना विद इन द स्पीसीज देख रहे हैं लोग डोग डोग इज अ स्पीसी दैट इज बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसी इट इज दिस वराइटी इन जींस दैट अलाउज स्पीसी टू अडेप्टैम सेल्व इन चेंजिंग एनवायरमेंट एंड अडेप्ट टू डिसीज अब जैसे आप बोलोगे सर क्या यह ह्यूमन में भी पाया जाता है डेफिनेटली पाया जाता है ह्यूम के अंदर भी जितने भी ह्यूमन इस अर्थ के ऊपर आज के समय में पाए जाते हैं ऑल ऑफ दैम आर होमोसेपियंस है ना ऑल ऑफ दैम आर होमो सेपियंस बट विद इन द होमोसेपियन स्पीसी डिफरेंट वराइटीज आर ऑल्सो फाउंड राइट जैसे मोंगोलॉयड की आप बात करो मोंगोलॉयड पीपल दे हैवे डिफरेंट अपियरेंस डिफरेंट फीचर्स अगर आप नेगरोड्स की बात करो तो दे हैव डिफरेंट फीचर्स डिफरेंट अपियरेंस अगर आप कोकेशियन की बात करो यूरोपियन की बात करो देव ए डिफरेंट काइंड ऑफ

सबके जैसे अल्फोंसो इज़ ऑल्सो देर है ना लंगड़ा इज ऑल्सो देर चौसा इज ऑल्सो देर डिफरेंट काइंड ऑफ मैंगो हज़ार वराइटी पर हैं सब मैंगो कि लेकिन उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है दैट इज योर जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पीसी डाइवर्सिटी तो कोई कोई बड़ी बात नहीं है अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं टाइगर इज देअर डियर इज देयर ह्यूमन इज देयर राइट लाइन इज देयर तो दैट इज द स्पीसी इट इज अ वराइटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेजम द नंबर ऑफ स्पीसी इन द प्लांट एंड एनिमल द अर्थ है दट्स अ वेरी सिंपल थिंग इको सिस्टम डाइवर्सिटी इको सिस्टम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंट तरह के इको सिस्टम होते हैं हमारे पास लैंड बेस्ड इकोसिस्टम सिस्टम होता है वाटर बेस्ड इको सिस्टम होता है जिसे अक्वेटिक इको सिस्टम बोलते हैं राइट योअर रिवर्स यूर लेक्स पौंड्स ओशंस लैंड बेस्ड वी हैव सीन सो मैनी लाइक like वी hmm. हमने डेजर्ट इको देखा था हम लोगों ने इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट इको देखा था हम लोगों ने ग्रास लैंड इको देखा था ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ इको और इनमें वराइटी पाई जाती है तो इट इज़ यर्स इको सिस्टम डाइवर्सिटी जैसे ग्रास लैंड फॉरेस्ट पोंड डिफरेंट डिफरेंट तरह के इको होते हैं ठीक है तो तीन तरह की बायोडाइवर्सिटी हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड द इको और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ठीक है सिंपल है अब इसको मेज़र कैसे किया जाता है इसको मेज़र किया जाता है दो तरीके से एक तरीका होता है इवननेस और दूसरा होता है रिचनेस इवननेस और रिचनेस देखिए दोनों में क्या फ़र्क होता है सपोज देर इज़ अ पर्टिकुलर एरिया एक ये एरिया है एक ये एरिया है अब इस पर्टिकुलर एरिया में इसमें लेफ्ट साइड में जो ए है इस तरफ को हम मैं बी दे देता हूँ बे ए के अंदर क्या है सपोज वन देर इज वन क्रो देर इज वन डोग देर आर टू कैट्स

डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं तो इट्स डिफरेंट बहुत ज्यादा वराइटी है अबंडेंस है बहुत ज्यादा डिफरेंट वराइटीज की डिफरेंट स्पीसीज की राइट right? दूसरे में क्या है वराइटी कम है लेकिन इनका रेशो जो है वो काफी मैनेजेबल है राइट right? वो मैनेजेबल है तो डिफरेंट इवननेस का मतलब ये होता है इट्स अ मेजर ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ऑफ इंडिविजुअल्स डिफरेंट इन अ गिवन रीजन लो इवननेस जनरल मीन दैट द फ्यू स्पीसीज डोमिनेट ऑन द रीजन और द इकोसिस्टम जब कम जो होते हैं जब कम स्पीसी होते हैं दैट इज मीनिंग दैट इज मीनिंग ऑफ लो इवननेस स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या होता है इट रेफर्स टू द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन पर यूनिट एरिया ऑफ ए रीजन और अम्युनिटी नंबर ऑफ स्पीसी की बात करता है नंबर ऑफ स्पीसी की बात करता है मैंने क्रो डोग क्रो, कैट्स ह्यूम नंबर ऑफ स्पीसी की बात करता है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स तरह के स्पीसी यहां पर स्पीसीज यहां पर पाए जाते हैं तो इट इज वेरी रिच दूसरे वाले में क्या है टू कैट्स थ्री डोग टू ह्यूम राइट एक दूसरे के रिलेटिवली जो है वो काफी रेशो में बराबर बराबर है इट्स इट्स अ इवननेस और जब नंबर ऑफ ज्यादा होते हैं दैट इज कॉल्ड रिचनेस तो दो तरीके से मेजर किया जाता है कि उस एरिया में जो है स्पीसीज की रिचनेस ज्यादा है या फिर वहां पे जो है उनकी इवननेस ज्यादा है और ये सबसे पहले किसने यूज किया था इट वॉज यूज बायकर डन बाय विटकर ठीक है ही द पर्सन अब बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के तीन तरीके और होते हैं एक होती है हमारे पास एल्फा डाइवर्सिटी एक होती है बीटा डाइवर्सिटी एक होती है गामा डाइवर्सिटी गामा डाइवर्सिटी सपोज कोई एक बहुत ही एक बड़ा एरिया है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर स्क्वायर ठीक है अब यहाँ पे जो है डिफरेंट तरह के इको पाए जाते हैं सपोज दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इको ठीक है वन टू एंड थ्री नाउ इफ आई टेक वन इको

टू और मोर इको सिस्टम्स यूजली मेजर्ड एज द चेंज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज बिटवीन टू इको सिस्टम्स बिट्वीन टू इको सिस्टम जब तो मैं इसके और इसके बीच में कंपेयर करूंगा इसके और इसके बीच में कंपेयर करूंगा या फिर इसके और इसके बीच में कंपेयर करूंगा दैट इज योअर बीटा सो वेन यू ट्राई टू कंपेयर द बायोडावर्सिटी ऑफ टू इको सिस्टम्स और मोर देन टू इकोसिस्टम दैट इज यूर बीटा बट वेन वी टेक द होल इकोसिस्टम एज वन दैट इज कोल्ड यूर गामा दैट इज कोल्ड यूर गा राइट तो एल्फा बीटा गाज में आया जब एक इको सिस्टम को कंसिडर करूंगा दैट इज योर एल्फा जब दो को करूंगा दैट इज योअर बीटा और जब मैं सबके सबको कंपेयर करूंगा दैट इज यूर गामा गावा का मतलब है इट इज द मेजर ऑफ द ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर द डिफरेंट इको सिस्टम इन अ रीजन इट इज़ हाईली सब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ द डिफरेंट परसेप्शन अबाउट द बाउंड्री ऑफ द देखिए इसमें हमें पता ही नहीं सकते हम लोग कहाँ की इसकी बाउंड्री खत्म हो गई है कहाँ किसकी बाउंड्री स्टार्ट हो रही है ट्रांजिशन जो नॉरेडी हम लोग कर चुके हैं इकोटोन है ना तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू तो आइडेंटिफाई कि कहाँ पर किसकी बाउंड्री स्टार्ट और ख़त्म हो रही है तो एल्फा डाइवर्सिटी बीटा डाइवर्सिटी एंड द गा डायवर्सिटी ठीक है ये डायग्राम जो है आपके एन सी आर टी से ही लिया हुआ है आपके अगर आप एन सी आर टी पढ़ रहे हो तो आप इजिली इससे कनेक्ट कर सकते हो ठीक है चलिए बायोडावर्सिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें डिफरेंट डिफरेंट सर्विस हम लोगों को मिलती है न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड द रिसाइकिलिंग बायोजियोथर्म बायोजियो केमिकल साइकिल्स ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं है ना वहां पे हमारे पास दो तरह के थे एक तो एटमोस्फेरिक था जो गैसियस होता है और एक हमारे पास क्या था सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री तो सेडिमेंट्री जो हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल था हमारा फॉस्फोरस था उसमें और ठीक है याद आए आपको तो फॉस्फोरस तो ये किस कहाँ होता है ये हमारी सोइल में होता है एंड सोइल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूर बायोडाइवर्सिटी तो बायोजियो केमिकल साइकिल न्यूट्रेंट जो स्टोरेज और साइकिलिंग होती है वो बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही होती है अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो ये देखिए ट्री आपको मिला था ना ट्री देर वॉज अ ट्री और ट्री की जड़ों में क्या थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ये डिफरेंट जो अलग अलग वैरायटी के जो डाइवर्सिटी है ना एक प्लांट लाइफ है एनिमल लाइफ है बायोटिक इंटरेक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बायोटिक इंटरेक्शन अगर बायोटिक इंटरेक्शन नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे होगा पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो बायोटिक इंटरेक्शन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट तरह के बायोटिक कॉम्पोनेंट हैं वो आपस में रिलेशन रखते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो लेकिन है तो बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही ना तो अगर बायोडावर्सिटी नहीं होगी तो बायोटिक इंटरेक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा और हमारा जो न्यूट्रेंट साइकिल है जो स्टोरेज है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा राइट इट हेल्प्स इन सोयल फॉर्मेशन सोइल फॉर्मेशन में काम आता है सोइल प्रोटेक्शन में काम आता है और मेंटेनेंस ऑफ सॉयल फर्टिलिटी क्योंकि एक तो देखो सॉइल में डिफरेंट तरह के जो है माइक्रोब्स होते हैं तो वो सॉइल की फ़र्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं दूसरा जो हमारे ट्रीज़ होते हैं जो ग्रास होते हैं जो प्लांट लाइफ होती है वो सॉयल की फॉर्मेशन और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं एंड जो कि प्लांट्स होते हैं दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बायो डाइवर्सिटी डिफरेंट तरह के प्लांट्स डिफरेंट तरह के एनिमल्स ऑल पार्ट ऑफ योर बायोडाइवर्सिटी ठीक है मेंटेनेंस ऑफ वाइट वाटर साइकिल कंट्रीब्यूशन टू द क्लाइमेट स्टेबिलिटी मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम रिसर्च एजुकेशन मॉनिटरिंग रिक्रिएशन एंड द टूरिज्म डेफिनेटली हम लोग जंगलों में जाते हैं जंगल सफारी करते हैं है ना तो जंगल ही तो देखने जाते हैं जंगल इज वाट इट इज़ नथिंग बट द बायो डाइवर्सिटी राइट डाइवर्सिटी इन द जीन स्पीसीज ईको सिस्टम अगर देखो जीन और स्पीसीज में डाइवर्सिटी नहीं होती तो हमें डिफरेंट तरह की वराइटीज़ नहीं देखने को मिलती डॉग्स की कैट्स की ह्यूमन की प्लांट्स की सब एक ही जैसे होते फिर तो है ना तो अलग अलग हैं तभी तो ब्यूटीफुल हैं अगर एक ही होते अगर डाइवर्सिटी ना होती तो इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ ना बोरिंग अनसस्टेनेबल होता सस्टेनेबल नहीं होता देखिए इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं सपोज़ करो कि एक किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है सपोज करो यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ आपको कैसे सपोज़ ये दिस इज़ योर पंजाब

ट कैन सर्वाइव वेजिटेबल्स कैन सर्वाइव शुगर कैन कैन सर्वाइव तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एंड द मैजिक ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी की वजह से जो है आपकी क्रॉप्स बच सकती हैं और फूड सिक्योरिटी जो है वो एंश्योर हो सकती है बायोडाइवर्सिटी के वजह से पूरा इकोसिस्टम जो है वो सर्वाइव कर सकता है लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होती और डिसीज आ जाता तो आपका पूरे का पूरा क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता कंप्लीटली दिस इज हाउ योर आर बायोडाइवर्सिटी सस्टेन द इकोसिस्टम। अगर एक भी अगर वहां से हट सकता है तो कम से कम पूरा इकोसिस्टम तो सर्वाइव कर लेगा ना मेडिसिनल रिसोर्सिस डिफरेंट तरह के प्लांट्स डिफरेंट तरह के एनिमल्स से जो है हम लोग डिफरेंट तरह के मेडिकल आ, आ, के लिए हम लोगों को वहाँ से इनपुट मिलता है है ना तो दैट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करती है 20 से 25 से 35 फाइव परसेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्टली जो है वो, वो आपके जो रेन फॉरेस्ट हैं उन वहाँ उनके ऊपर डिपेंड करती है सो दिस इज़ टू मच राइट अब बायोडावर्सिटी लॉस भी हो रही है क्योंकि ह्यूमस मेजर रीज़न इज़ ह्यूमन्स इन प्रेजेंट टाइम अब ऐसा नहीं है कि बायोडावर्सिटी जो है जैसी हमेशा थी से थी इंसानों के आने के बाद ही वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हुई नो ऐसा कुछ नहीं है इंसानों के आने से पहले भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता था लेकिन दैट लॉस वॉज बिकॉज ऑफ द नेचुरल कोजेज नेचुरल कोजेज इट वॉज़ वेरी स्लो एंड इट वॉज नेचुर हैपनिंग तो इससे पहले भी जो है पांच बार जो है अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी का मेजर तरीके से लॉस हो चुका है फाइव एक्सटिंक्शंस फाइव एक्सटिंक्शंस ऑलरेडी पहले भी हो चुके हैं यहाँ पे देखा आपको बताया गया ओडोविशियन एरा डिवोनियन एरा परमियन एरा ट्राइसिक एरा एंड क्रिटेशियस एरा भैया परमियन एरा में तो कम से कम 95 परसेंट लाइफ का लॉस हो गया था अर्थ से परमियन टाइम में तो दीज आर द फाइव एक्सटिंक्शन अभी जो चल रहा है उसको बोलते हैं सिक्स एक्सटिंक्शन सिक्स एक्सटिंक्शन इज एक्सेंचुएटेड बाय ह्यूमन बींग्स इसमें हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं सिक्स एक्सटिंक्शन की लिए तो ये जो सिक्स एक्सटिंक्शन है ये स्टार्ट हुआ था कब बिफोर टेन थाउजेंड ईयर्स जब से इंसान ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया था और उसने सेटल होना स्टार्ट किया था तो सिक्स एक्सटिंक्शन स्टार्ट हो गया था ठीक है क्या क्या लॉस के कारण हो सकते हैं नेचुरल रीज़न हो सकते हैं जैसे फ्लडिंग अर्थक्वेक है ना राइवलरी अमंग स्पीसीज फॉरेस्ट फायर एंड ऑल दैट सब ये नेचुरल जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में और ब्राज़ील में अमेजोन में उत्तराखंड में यहाँ पे फॉरेस्ट में जो है वो फायर होता रहता है तो इट ऑल्सो रिजल्ट इन टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लैंड की वजह से राइट right? और बहुत सारे डिसीज की वजह से पैथोलॉजिकल कॉज होते हैं डिसीज होते हैं एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेिक हो सकते हैं इंसानों की वजह से एंथ्रोपोजेनिक यानी कि जो इंसानों की वजह से होते हैं जैसे हैबिटाट डिस्ट्रक्शन भैया आपने कोई फैक्ट्री लगाया कोई स्कूल बनाया कोई एग्रीकल्चर के परपज़ के लिए आप क्या करते हो जंगल काट लेते हो होबिटाट डिस्ट्रक्शन हो जाता है अनकंट्रोल्ड कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन यानी कि माइनिंग वाइनिंग करते हैं हम लोग हंटिंग और पंचिंग पोचिंग करते हैं बहुत ज़्यादा इलीगल तरीके से मारते हैं आ, एनिमल्स को प्लांट्स की जो है इलीगल तरीके से जो है उसकी ट्रेडिंग करते हैं है ना जैसे आपने सुना होगा बहुत बार कि चंदन के पेड़ की है ना सैंडलवुड इसकी बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रेडिंग की जाती है स्पेशली साउथ इंडिया में राइट तो एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के लिए भी हम लोग क्या फूड सिक्योरिटी के लिए पॉपुलेशन तो रोज़ बढ़ ही रही है तो उस पर इतनी सारी पॉपुलेशन का पेट भी तो भरना है ना वो कहाँ से भरेगा जब हम लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे है ना तो एग्रीकल्चर के लिए जंगलों की कटाई की जाती है पोल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फीलिंग अप ऑफ द वेट लैंड यानी कि जो लेक्स वगैरह होती हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग लेक्स को भर के यहाँ पे क्या बना रहे हैं घर बना रहे हैं उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं राइट सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल एरिया कोस्टल एरिया बड़े बड़े शहर हम लोगों ने बना दिए हैं मुंबई चेन्नई जो भी आप देखो वर्ल्ड की 50 परसेंट से ज़्यादा पॉपुलेशन तो आपका जो है कोस्टल एरिया में ही रहती है वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड आर सिचुएटेड इन द कोस्टल एरियाज अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व भी करना है अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के जो हमारे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं ये देखो आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं लेट मी गिव यू वेरी ब्रीफ एग्जाम्पल हेयर सपोज दिस इज एम फॉरेस्ट एरिया इट्स अ फॉरेस्ट ठीक है इस फॉरेस्ट में डिफरेंट तरह का जो है फ्लोरा और फोना पाया जाता है यानी नाउ जो भी रीजन हो चाहे बायोडावर्सिटी ऑफ दिस रीजन इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड डे बाय डे नाउ वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस अब यहां पे दो तरीके हो सकते हैं सपोज मैं बात करता हूं लायन की मैं बात करता हूं ठीक है हमने यह देखा कि पिछले 20-30 साल में यहां पे लाइन की पॉपुलेशन जो है काफी कम हो रही है और be जिसकी वजह से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं दैट इज द क्वेश्चन अब लाइन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि लाइन जो है वो आपका फूड चेन में टॉप के ऊपर आता है और लाइन अगर वहां से हट गया तो ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा ठीक है बिकॉज लाइन जो है की स्टोन स्पीसीज है की स्टोन स्पीसीज है तो अब इसको प्रोटेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं एक तरीका तो ये हो सकता है कि इस जंगल को जो है मैं इस पूरे एरिया को जो है प्रोटेक्टेड एयर एरिया डिक्लेयर कर दूं। प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करने का मतलब यह है कि नाउ आई विल डिक्लेयर दिस प्रोटेक्टेड एंड आई विल नोट अलाउ एनी एक्टिविटीज हेयर सच एज एग्रीकल्चर एग्रिकल्चर में बैन लगा दूंगा ग्रेजिंग पे मैं बैन लगा दूंगा भैया कोई भी अपने जानवर यहाँ पे नहीं चराएगा टूरिज्म एक्टिविटी मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा है ना और ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा मैं यहाँ पे लोगों को नौकरी पे रखूंगा उनको बंदूक दूंगा और उनको बोलूंगा कोई भी अगर इलीगल यहाँ पे पोचिंग करता पाया गया तो उसको गोली उसे उड़ा दो या उसको अरेस्ट कर लो तो नाउ आई विल प्रोटेक्ट दिस एरिया

एक तरीका होगा कि जब उसको मैं ऑन साइट प्रोटेक्ट करता हूं मतलब जहां पे वो है वहीं पे उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूं दूसरा तरीका क्या है ऑफ साइट यानी कि उसकी जहां पे वो threatened हो रहा था उसको मैं दूसरी जगह पे ले जाऊंगा और वहां पर जाकर प्रोटेक्ट करूंगा सो दैट कैन बी अनदर वे तो इसको दो तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है वन इज कॉल्ड इन सिटू इन सिटू कंजर्वेशन इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब ऑन द साइट ऑन साइट कंजर्वेशन जैसे उसी एरिया को जो है आप प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दो वहां पे जो है एक्टिविटीज को बैन कर दो ठीक है सो दैट कैन बी वन थिंग इधर बाय प्रोटेक्टिंग और क्लीनिंग अप दबिटाट इट सेल्फ मतलब जो हैबिटेट में दिक्कत हो रही थी उसको प्रोटेक्ट करेंगे दूसरा प्रोटेक्टेड एरिया आपको मैंने बता ही दिया है बाय डिफेंडिंग द स्पीसी फ्रॉम क्रिडिएटर्स हेयर स्ट्रेस इज लेड अपॉन प्रोटेक्शन ऑफ द टोटल इकोसिस्टम द लीड्स टू द डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया फॉर प्रोटेक्टिंग सच एरिया लीगल और अदर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी आर यूज मतलब मैं कोई कानून बनाकर उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूं मैं कानून बना सकता हूं अगर कोई उनको तोड़ेगा तो उसको हम लोग सजा भी दे सकते हैं ठीक है दैट कैन बी थिंक इट्स इन सिटू कंजर्वेशन कैसे करते हैं अब यह प्रोटेक्टेड एरिया मैंने बात की तो क्या क्या हो सकता है प्रोटेक्टेड एरिया में नेशनल पार्क्स हो सकते हैं सेंचुरीज हो सकती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हो सकते हैं, हैं। देखिए इन तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है कि ऑल ऑफ देम आर इन सिटू मेथड्स। मतलब इसमें जो मैं फ्लोरल फोनों को कहीं लेके नहीं जा रहा हूं उसको मैं जूमे लेके नहीं जा रहा हूं वहीं पे उसी जगह पे उसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं ठीक है नेशनल पार्क्स तो यहाँ पे आपका ये जो है कैटेगराइजेशन दिया हुआ है बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन इन सिटू एंड एक्सिटू इन सिटू में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में आपका सेक्रेड ग्रुप सेक्रेड लेक्स बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल दैट तो इसमें टेरिस्ट्रियल और मरीन दोनों आ गया एक्सिटू में जो है जो आप बाहर लेके जाते हो उसको एक्सटर्नल है ना ऑफ साइट मतलब इसके बारे में थोड़ा हम लोग बाद में देखेंगे अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन सीटू के बारे में ही बात करेंगे अब तो इन सीटू का मतलब समझ गए ऑन द साइट जहाँ पे वो थ्रेटेंड हो रहे थे जहाँ पे उनको खतरा था वहीं पे हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे दैट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट तो देखिए नेशनल पार्क्स के बाद नेशनल पार्क नेशनल पार्क इज एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड वेयर एक्टिविटीज लाइक फॉरेस्ट्री ग्रेजिंग और कल्टिवेशन आर नॉट परमिटेड जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ तो कोई भी ग्रेजिंग एक्टिविटी होती है टूरिज्म एक्टिविटी होती है वो हम लोग उसको बैन कर देते हैं क्योंकि अगर आप उसको बैन करोगे तो एरिया डिस्टर्ब नहीं होगा और वो हमारा वहाँ पे जो हैबिटाट है वो वो नेचुरली वो जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा ईजिली इन दीज पार्कस इवन प्राइवेट ओनरशिप राइट्स आर नॉट अलाउड मतलब कोई भी आदमी वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो जमीन खरीद लेगा प्राइवेट ओनरशिप नहीं पूरे का पूरा जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है सेंचुरीज में है दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बट दे आर नॉट एज प्रोटेक्टेड एज नेशनल पार्कस इनकी प्रोटेक्शन थोड़ी सी कम होती है सेंचुरी इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया विच इज रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ओनली एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ द टिम्बर कलेक्शन ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स प्राइवेट ओनरशिप राइट्स आर अलाउड देखिए यहाँ पर अलाउड है प्राइवेट ओनरशि भी अलाउड है वहाँ पर टिम्बर को कलेक्ट करना भी अलाउड है थोड़ा बहुत ग्रेजिंग करना भी अलाउड है सेंचुरी में ठीक है इट इज रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ओनली एनिमल्स यानी कि यहां पे हम लोग प्लांट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ओनली एनिमल्स लेकिन नेशनल पार्क में हम लोग जो है प्लांट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं ठीक है दैट इज़ अ थिंग बायोस्फेयर रिजर्व बायोस्फेयर रिजर्व जो है वो यू एक यूनेस्को का कॉन्सेप्ट है जो काफी बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर मैब प्रोग्राम इसके बारे में थोड़ा हम आगे आगे डिटेल में देखेंगे ठीक है तो मैब प्रोग्राम इट वॉज लॉन्च यूनेस्को इन 1975 मैब मतलब मैन एंड बायोस्फीयर मतलब देखिए हमें बायोस्फीयर की रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली हम लोग बायोस्फीयर का यूज़ कर रहे बिना सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि बायोस्फीयर से हमें सब कुछ मिल रहा है रो मटेरियल मिल रहा है ऑक्सीजन मिल रही है हर चीज़ मिल रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको ह्यूमन एक्टिविटी करना बंद कर दो हम ये नहीं कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि यस yes, वी नीड टू यूज द बायोसफियर वी नीड टू यूज द रिसोर्सिस विच आर गिवन टू अर्स बाय बायोडाइवर्सिटी बट वी नीड टू हैव अ बैलेंस बिटवीन मैन एंड बायोस्फियर हम ये कह रहे हैं इंसानों के बीच में और डायवर्सिटी और इकोसिस्टम के बीच में बैलेंस होना चाहिए तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नाइनटीन सेवनटी फाइव में जो है मैब प्रोग्राम चलाया गया था जिसके हम लोग क्या करेंगे हम लोग करेंगे ह्यूमन इंटरफ्रेंस एंड द पोल्यूशन भैया इन सब को दूर रखना है ठीक है बायोस्फेर रिजर्व इज अ स्पेसिफाइड एरिया इट्स अ स्पेसिफाइड एरिया इन विच मल्टीपल यूज ऑफ लैंड इज परमिटेड बाय डिवाइडिंग इट इनटू सर्टेन जोन ईच जोन बीइंग स्पेसिफाइड फॉर द पर्टिकुलर एक्टिविटी बायोस्फेर रिजर्व आपका जो है आप बहुत बड़ा एरिया होता है एक बहुत बड़ा एरिया होता है इस बड़े एरिया में जो है कुछ छोटे छोटे एरिया जो है वो डिवाइड किए होते हैं और हर छोटे छोटे एरिया का जो है पर्टिकुलर फंक्शन होता है दैट इज द मीनिंग ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व तो जनरली रिजर्व में जो है तीन तीन जगह एरिया होते हैं तीन एरिया होते हैं जैसे यह यह पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो तो एक सबसे बाहर वाला होता है एक एक बीच वाला होता है और एक सबसे सेंटर वाला होता है तो जब सबसे सेंटर में होता है ना दिस इज द दिस इज हाईली प्रोटेक्टेड एरिया तो एक जोन ये है एक जोन ये है एक जोन ये है तो सबसे बीच वाला होता है ना इसको बोलते हैं कोर जोन इट इज कोल्ड कोर और ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है और सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होने का मतलब यह है कि कोर एरिया जनरली योर योर टाइगर रिजर्व कोर एरिया वाला जो है आपका टाइगर रिजर्व होता है मोस्ट मोस्टली केसेस में कोर एरिया के बाहर आता है आपका ट्रांज आपका आता है बफर जोन बफर जोन और तीसरे में आपका आता है ट्रांजिशन जोन ट्रांजिशन जोन जैसे हम अगर बात करो जैसे इंडिया और चाइना के बीच में जो है नेपाल जो है नेपाल इज अ बफर एरिया ठीक है कोर जोन में जो है किसी भी तरह की एक्टिविटी अलाउड नहीं है इट इज लाइक कंप्लीटली बैन है उसमें सारी चीजें बफर एरिया में जो है कुछ चीजें अलाउड की जा सकती हैं लेकिन स्पेशल परमिशन के बाद लेकिन ट्रांजिशन जोन में जो है मोस्टली सारी की सारी चीजें अलाउड होती हैं ठीक है बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड नहीं होता है ठीक है देखिए थोड़ा सा आप लोग यहां पे देख सकते हो कोर जोन में क्या है इट लाइज एट द सेंटर वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड भैया नो ग्रेजिंग नो टिम्बर कलेक्शन नथिंग इट इज लीगली प्रोटेक्टेड मतलब अगर आप यहां पे चले गए तो समझ लो आपने कानून तोड़ दिया नाव यू विल बी पनिश्ड अंडर दिस लॉ ठीक है बफर जोन में क्या है लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है आफ्टर सम परमिशन ठीक है इट इज इट सराउंड कोर एरिया ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं

अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज को हम लोगों ने कंपेयर किया है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व ये तीनों को हम लोगों ने देखो तीनों ही प्रोटेक्टेड एरियाज हैं तीनों ही इन सीटू जो है वो कंजर्वेशन टेक्निक है तो इनको थोड़ा सा हम लोगों ने कंपेयर किया है ठीक है लेजिस्लेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको नेशनल पार्क को जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया जाता है इसको भी 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में ही किया जाता है और बायोस्फीयर रिजर्व को तो ऑलरेडी आपको बता दिया 1975 में मैब प्रोग्राम चलाया गया था जिसके अंदर ये इ, इन्होंने नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे लेवल ऑफ प्रोटेक्शन नेशनल पार्क जो है ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दैन द सेंचुरी सेंचुरीज में आपको पता ही है लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है और नेशनल पार्क में जो है एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है काफी प्रोटेक्टेड होता है और बायोस्ेर रिजर्व क्या होता है रिजर्व में आपने देख ही लिया तीन चीजें होती है रिजर्व में जो कोर एरिया होता है सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है उसके बाद बफर एरिया होता है कम प्रोटेक्टेड होता है और ट्रांजिशन जो है सबसे कम प्रोटेक्टेड होता है ठीक है रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ठीक है नेशनल पार्क में जो है ये एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं नेशनल पार्क में लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है वो लिमिटेड तरीके से आप उसको परमिशन लेने के बाद अलाउ कर सकते हो ठीक है और बायस रिजर्व में आपको पता ही है तीन तीन चीजें होती हैं बीच वाले में तो कुछ भी अलाउड नहीं है बाहर वाले में जो है सब कुछ अलाउड है है ना बाउंड्रीज की अगर बात करूं तो नेशनल पार्क जो है आपको पता है सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ है लेजिस्लेशन के थ्रू है ना तो इट इज क्लियरली डिलीनेटेड बाय लेजिस्लेशन कानून बना के जो है इसकी बाउंड्री फिक्स की जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी की जाती है कानून बना के लेकिन वो सेक्रोसेंट नहीं है यानी कि वो फिक्स नहीं है इसको चेंज किया जा सकता है ईजिली ईजिली चेंज किया जा सकता है ठीक है इट इज क्लियरली डिलीटेड तो और बायोस्फेर रिजर्व की भी जो है क्लियरली कानून बना के हम लोग बाउंड्री करते हैं ठीक है तो थोड़े थोड़े से डिफरेंस आप इसको देख सकते हो इंडिया में कहाँ कहाँ पे जो है नेशनल पार्क्स हैं एक लिस्ट आपको दी हुई है ठीक है इंग्लिस्ट आपको दी हुई आप इसको देख सकते हो अगर आपके पास अपनी सेपरेट लिस्ट आप गूगल से है, कहीं से भी इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो लेकिन हमने जो है ऑलरेडी आपको दिया हुआ है तो आप इसको कर सकते हो ठीक है आपकी इजीनेस के लिए इंडिया में जो है बायसफे रिजर्व की भी लिस्ट हम लोगों ने दी हुई है नीलगिरी नंदा देवी नोकरे नौकरे वो ठीक है देखिए कोशिश करना कि आप जो है नेशनल पार्क्स को भी याद करो कोशिश करना लेकिन अगर ये नहीं भी कर पाए कम से कम अपने स्टेट का तो याद कर लेना लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता होने चाहिए इंडिया में कहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम वो कब एस्टेब्लिश हुआ था और वो कौन से स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है ये आपको पता होना चाहिए इसके अलावा अगर आप कर सकते हो तो ये भी देख लेना कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें कौन सी रिवर जो है वो फ्लो करती है और इसका की स्टोन स्पीसी कौन सा यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा स्पीसी पाया जाता है कि जो बहुत ही ज़्यादा या तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो या बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता हो तो ये चीज़ें आपको बायोस्ेर रिजर्व के बारे में पता होनी चाहिए यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता ही आता है वेरी इंपॉर्टेंट तो आप इसको जो है मैप का यूज़ करके कर सकते हो ठीक है आप जो है गूगल से मैप भी डाउनलोड कर सकते हो और उस मैप के थ्रू आप इनको डिमार्क कर सकते हो इनको जो है लेबल कर सकते हो ठीक है तो ये थोड़ा आप देख लेना हल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है ऑलरेडी इसके अलावा आपने कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है इंपॉर्टेंट रिवर्स और ये अगर वहां पे कोई इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है अगर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है तो ये भी आपको देखना है और इंपॉर्टेंट स्पीसीज चाहे वो प्लांट पी हो चाहे वो एनिमल पी हो ठीक है तो ये भी आपको यहाँ पे देखना है अगर वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो तो बिल्कुल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और कई बार क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं होता लेकिन वो काफ़ी क्रूशियल होता है तो वो आप देख लेना ठीक है वो आपको याद करना पड़ेगा इंटरनेशनल स्टेटस क्या है बायोस्फीयर रिजर्व का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ मैप जो है वो यूनेस्को ने स्टार्ट किया था 1975 में ठीक है तो थोड़ा थोड़ा आप ये देख चुके हो लॉन्च इन 1970 सॉरी 1971 ठीक है मैप प्रोग्राम चलाया गया था उसके बाद इसको दुनिया भर में जो है लॉन्च किया गया अलग अलग कंट्रीज़ में बायोस्फीयर रिज़र्व जो है वो उनको रेकग्नाइज किया गया इंडिया में देर आर एटीन बायोस्फीयर रिज़र्वस इन इंडिया ऑल्सो राइट तो ये आप लोग उसमें देख सकते हो दे टोटल इलेवन बायोस्फेयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया विच बीन रेकग्नाइज इंटरनेशनली अंडर द मैप प्रोग्राम देखिए इंडिया में टोटल जो है अठारह हैं जिनमें से ग्यारह जो है वो यूनेस्को में ने मैप प्रोग्राम के अंडर रेकग्नाइज किए गए हैं ठीक है कौन कौन से हैं नीलगिरी सबसे पहले इंक्लूड किया गया था नीलगिरी को गल्फ ऑफ मन्नार सुंदरबन नंदा देवी नोकरेक पंचमढ़ी सिमलीपाल अचानक अमरकंटक ग्रेटर निकोबार एंड अगस्त्यमलाई ये हैं हमारे पास उसके अलावा कंचनजुंगा नेशनल पार्क इन सिक्किम ठीक है ये भी मैग प्रोग्राम के अंदर जो है 2018 में इसको ऐड किया गया इट इज़ ऑल्सो इंडियाज़ ओनली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को ही डिक्लेयर करता है इंडिया का एकमात्र जो है वो मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मिक्स मतलब ये नेचुरल भी इसके अंदर है और जो है हेरिटेज भी इसके अंदर है है ठीक तो दोनों ही है इसके अंदर अब हम लोग करेंगे एक्स सी टू कंजर्वेशन एक्स सी टू कंजर्वेशन का मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसका मतलब होता है कि जब आप किसी स्पीसी को जो है उससे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में लेके जाते हो और वहां पे जाके उसको प्रोटेक्ट करते हो यानी कि आउटसाइड ऑफ द साइट दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्ससी टू कंजर्वेशन एक्सी टू कंजर्वेशन कुछ हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, जिसमें तुम्हारी तो थोड़ी सी डिटेलिंग हमने दी हुई है पहला जैसे आपका सीड जीन बैंक और द जर्मोप्लाज्म बैंक इसमें हम जो आपके जो प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स को कंजर्व करते हैं ताकि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो हम उन सीड से जो है प्लांट को ग्रो कर सकते हैं ठीक है तो दैट इज़ द मीनिंग क्रायोजेनिक लेबोरेटरी भी इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक का मतलब ये है कि जब आप उन सीड्स को जो है बिलो ज़ीरो टेम्परेचर बिलो ज़ीरो से भी मतलब काफ़ी ज़्यादा यानी कि वन फिफ्टी माइनस वन सिक्सटी माइनस वन सिक्सटी टेम्परेचर पर जब आप सीड्स को प्रेजर्व करते हो सीड्स को जो है स्टोर करते हो दैट इज द मीनिंग ऑफ सीड जीन बैंक अब इतने कम टेम्परेचर पे जो है वो इंटैक्ट रहते हैं जब बाद में उनका यूज करना पड़े तो उसको हम लोग इजिली यूज कर सकते हैं फील्ड जीन बैंक फील्ड जीन बैंक में हम क्या करते हैं रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन में उनको हम लोग स्टोर करते हैं ठीक है उसके लिए हम आपको जो है एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे जाने की जरूरत नहीं होती है फील्ड जीन बैंक में उसके बाद आपका आता है क्रायो क्रायोप्रेजर्वेशन देखिए क्रायो क्रायोप्रेजर्वेशन कभी मतलब यही होता है कि इसको हम लोग सब जीरो टेम्परेचर यानी कि माइनस वन नाइन्टी वन सेवेंटी वन एटी डिग्री पे हम लोग इसको स्टोर करते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग सीड्स को स्टोर नहीं करते हैं यहाँ पर हम लोग पूरी बॉडी को जो है स्टोर करते हैं पूरी बॉडी को स्टोर करते हैं जैसे पोटैटो को आप स्टोर कर सकते हो टोमेटो को आप स्टोर कर सकते हो इतने कम टेम्परेचर में वो डैमेज नहीं होते हैं खराब नहीं होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं इवन आप ह्यूमन बॉडीज़ को भी स्टोर कर सकते हो आफ्टर दे डाई इवन इट्स अ प्रोग्राम ऑल्सो ह्यूमन क्रायो प्रजर्वेशन इज इज़ अ इंटरनेशनल प्रोग्राम जहाँ पे कुछ ह्यूमन की डेड बॉडीज़ को प्रजर्व किया जाता है और ऐसा ऐसा जो है जूम किया जाता है मे बी डाउन द लाइन फिफ्टी सिक्सटी हंड्रेड ईयर्स अगर साइंस uh, इतनी अगर एडवांस हो जाती है इफ़ दे आर एबल टू यू नो पुट लाइफ टू दो डेड बॉडीज़ तो हम लोग इनको लाइफ इनको जो दोबारा जिंदा कर सकते हैं देट इज़ द थिंग इट्स लाइक काइंड ऑफ साइंस फिक्शन बट येस दैट इज़ हाउ दिस इज अब बोटेनिकल गार्डन्स जो है दुनिया भर में जो है पंद्रह से ज़्यादा जो है बोटेनिकल गार्डन्स हैं जहाँ पे एटी हंड्रेड से ज़्यादा जो है स्पीसीज़ को हम लोग ग्रो करते हैं आपके सिटी में भी आसपास किसी आपने बोटेनिकल गार्डन देखा हो जहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स डिफरेंट हर्ब्स जो होती हैं उनको जो है ग्रो किया जाता है जू ज़ू तो आप सबको पता ही है ठीक है ज़ू ज़ू में क्या करते हैं हम लोग एनिमल्स को लाते हैं वहाँ पे उनको प्रॉपर देखभाल करते हैं फ़ूड देते हैं उन पर रिसर्च करते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं और उनको ग्रो करते हैं अगर जंगल में उनकी बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड होते हैं तो ज़ू में ला उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर इंडिया में जो है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की बात करूँ तो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये हम लोगों ने बनाया था अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन तो ये एक स्टेचुट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो इस कानून के अंदर में बनी है इट्स एडवाइजरी इन नेचर यानी कि सिर्फ एडवाइस कर सकती है एज सच कोई इंप्लीमेंटेशन कोई पावर नहीं है इसके पास कोई एज सच अथॉरिटी नहीं है सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है इसके चेयर कौन मैन कौन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इसको चेयर करते हैं चेयर करते हैं तो दैट इज़ द थिंग अभी जो है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन इंडिया में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 के बीच में है तो इसका मेन फंक्शन वही है कि जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रिगार्डिंग जितने भी प्रोग्राम हैं उनको सपोर्ट करता है उनमें वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, 2002 टू ये इसका इसमें क्या है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडावर्सिटी एक्ट 1992 के बाद जो है हम लोगों ने इस पे काम करना स्टार्ट किया और फाइनली जो है हम लोगों ने इस एक्ट को बनाया काम क्या है इसका इट एम्स एट द कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज सस्टेनेबल यूज़ ऑफ़ द मटीरियल्स एंड द एलिमेंट्स एनेबलिंग फेयर एंड द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट यानी कि जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन होती है अगर उसके वहाँ के रिसोर्स का भी यूज़ करके कुछ इकोनॉमिकल कुछ बेनिफिट उठाते हो तो उनके साथ भी आपको जो है शेयर करना पड़ेगा प्रॉफिट सो दैट इज़ द ओल मीनिंग ऑफ इट इट सेट्स द नेशनल बायोडावर्सिटी अथॉरिटी जो है इसके अंदर हम लोगों ने इस्टेब्लिश की है नेशनल बायोडावर्सिटी अथॉरिटी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड द बायो मैनेजमेंट कमिटीज़ ठीक है तो इन बॉडीज़ को जो है स्पेशल फंडिंग दी जाती है उनके लिए स्पेशल बजट होता है ठीक है और अगर इस कानून के अंदर कुछ चीज़ें अगर आप वायलेट करते हो उनको तो तो तोड़ते हो तो आपको जो है सजा भी हो सकती है एक हमारे पास है बायोलॉजी बाय, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंडिया में बायोलॉजी और बायोडावर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसके अंदर जो है छः शेड्यूल बनाए गए हैं जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग शेड्यूल है ना ऐसे ही हमारे इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मैंशन किया गया है ठीक है तो शेड्यूल वन द एनिमल्स मैंशन अंडर द शेड्यूल वन एंड द पार्ट टू ऑफ द शेड्यूल वन गैट एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन यानी कि आप इनको किसी भी तरीके से जो है आप इनको नहीं नुकसान पहुंचा सकते जैसे टाइगर लायन एलिफेंट्स ठीक है ऑल ऑफ दैम आर इन अंडर शेड्यूल वन जैसे वाइट और वन ऑन राइनो दे आर अंडर शेड्यूल वन एंड पार्ट टू ऑफ द शेड्यूल टू इनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल गई है अगर आप इनको हार्म करते हो तो डेफिनेटली आपको सजा मिलेगी सो दे आर हाईली हाईली प्रोटेक्टेड ठीक है एनिमल्स मैं शेड्यूल थ्री एंड द शेड्यूल फोर आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड ये भी प्रोटेक्टेड है बट पेनल्टीज फॉर द ऑफेंसिस कमिटेड अंडर दीज आर मच लोअर जैसे अगर आपको यहाँ पे सेवन ईयर की सज़ा मिल रही है तो यहाँ पे सिर्फ आपको दो साल की मिलेगी ठीक है प्रोटेक्टेड तो वो भी हैं लेकिन थोड़ी कम प्रोटेक्शन है शेड्यूल सिक्स कंसिस्ट ऑफ द स्पेसिफिक एंडेमिक स्पीसीज विच आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टिवेशन एंड द एंड द प्लांटिंग तो कुछ ऐसे हैं जो नेचुरल जो है मिलते हैं और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है आप इनको अलग से ग्रो नहीं कर सकते ओनली वर्मीन मैंशन अंडर द शेड्यूल फाइव कैन बी हंटेड जो शेड्यूल फा पाँच के अंदर जो है वर्मी जो मैंशन है उनको आप लोग जो है हंट कर सकते हैं रिसेंटली एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो है पाँच स्टेट के अंदर कुछ वाइल्ड लाइफ को जो है वर्मीन डिक्लेयर किया है थ्री वाइल्ड लाइफ को उसमें से क्या क्या है आपका नील गाय वाइल्ड पिग्स इन बिहार एंड द वाइल्ड पिग्स इन उत्तराखंड रीसस मकाक इन हिमाचल प्रदेश नीलगाई एंड द वाइल्ड लाइफ पिग्स इन द महाराष्ट्र एंड द नीलगिरी इन द गुजरात तो नीलगिरी को वाइल्ड पिग्स को ठीक है वाइल्ड पिग्स को जो है हम लोगों ने क्या किया है इनको वर्मिंग डिक्लेयर किया है यानी कि दे कैन बी हंटेड अगर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है किसी स्टेट के अंदर अगर ज़्यादा हो जाती है देन दे कैन बी हंटेड डाउन बाय द स्टेट

उन्होंने ही सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था इसका क्राइटेरिया क्या है बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट होने के लिए किसी जगह को जो है कम से कम 1500 सौ जो है वस्कुलर प्लांट्स के होने चाहिए वस्कुलर प्लांट कौन से होते हैं जो बड़े वाले प्लांट होते हैं ठीक है जिनके अंदर प्रॉपरली ब्रांचेज होती हैं प्रॉपर ट्रीज होते हैं प्रॉपर रूट्स होते हैं जहाँ पे प्रॉपरली जो है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उनके लीव्स से ब्रांचेज तक वो सब ठीक है जहाँ पे फाइलम और जाइलोम जो है वो जयलोम और फाइलम जो है वो कंप्लीटली डेवलप्ड होता है उनको बोलते हैं वस्कुलर प्लांट्स ठीक है 1500 सौ स्पीसी वस्कुलर प्लांट्स की होनी चाहिए और 70 परसेंट ओरिजिनल हैबिटा डिस्ट्रॉय होना चाहिए तभी आप उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर सकते हो सो इट्स ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट ठीक है नेगेटिव कॉन्सेप्ट इंडिया में जो है अकॉर्डिंग टू ईयर एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू एर एनसीईआरटी एन आर टी देर आर थ्री बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया हम आपका ईस्टर्न हिमालय विच इंक्लूड्स अरुणाचल प्रदेश भूटान और ईस्टर्न नेपाल योर इंडो बर्मा विच इंक्लूड्स पूर्वाचल हिल्स आपका जो पूर्वांचल हिल्स में आपका पटकई पटकई बम गोशाई हिल्स वो सब आ गया आपका अरकन योमा जो आपका बर्मा म्यानमार के अंदर है ठीक है ईस्टर्न बांग्लादेश ये सब इंक्लूड हो गया वेस्टर्न घाट और श्रीलंका ये आपका तीसरा है ठीक है किसी किसी बुक्स में आपको जो है सुंडा लैंड भी देखने को मिलेगा सोंडा लैंड सुडरलैंड के अंदर जो है इंडिया का जो है बहुत कम पार्ट इंक्लूड है जिसके अंदर अंडमान एंड निकोबार इंक्लूड होता है बट अकॉर्डिंग टू यर एन सी आर टी देर आर ओनली थ्री बट सम बुक्स ऑल्सो मैंशन दैट देर आर फोर तो वो सोंडरलैंड को भी इंक्लूड करते हैं ठीक है देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है ठीक है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये म्यनमार वाला रीजन भी आ जाएगा ये सुन्डरलैंड का पार्ट है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका ठीक है एंड यूर ईस्टर्न हिमालय थर्टी फाइव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कवर जो है टू पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ द टोटल अर्थ लैंड सरफेस इन टू थाउजेंड इलेवन द फॉरेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रे ऑस्ट्रेलिया रीजन इसको भी इंक्लूड किया गया है एज थर्टी फिफ्थ बायोडावर्सिटी हॉट अब इन हॉटस्पॉट्स के अंदर भी कुछ ऐसे हॉटस्पॉट हैं जो सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड हैं सबसे ज्यादा जिनको खतरा है वो कौन से हैं मेडागास्कर फिलीपीन सोंडा ब्राजील करेबियन इंडो बर्मा वेस्टर्न घाट श्रीलंका देखिए दो तो इंडिया में ही हैं ठीक है दो तो इंडिया में ही हैं इंडो बर्मा वाला और ये वेस्टर्न घाट श्रीलंका वाला एंड तंजानिया तो वर्ल्ड में जो है एट हॉटेस्ट हॉटस्पॉट भी हैं ठीक है तो यहाँ पे आप इनकी लोकेशन देख सकते हो गूगल करके भी देख सकते हो तो इंडिया में वेस्टर्न घाट ये हिमालय इंडो बर्मा देखिए ये स्विंडरलैंड है यहाँ पे तो स्वंडरलैंड के अंदर इंडिया का जो है अंडमान निकोबार भी आता है बट या एन में तीन ही मैंशन है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको कौन डिक्लेयर करता है यूनेस्को यूनेस्को डिक्लेयर करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट ठीक है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ये जो है इशू करता है दिस कन्वेंशन विच वाज अडॉप्टेड बाय द यूनेस्को इन 1972 1972 में इसको जो है एडोप्ट uh, uh, किया गया था और 1975 से इसको ये एनफोर्स किया जाता है ठीक है पहली लिस्ट जो इशू की गई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की वो की गई थी 1978 में ठीक है इंडिया में जो है टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जिनमें से 30 कल्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं और सेवन जो है वो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है तो कल्चर प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे डेफिनेटली वो तो हम लोग एंड आपका आप हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में करोगे सेवन नेचुरल प्रॉपर्टी हैं और एक इंडिया में मिक्स है तो नेचुरल जो इंडिया में काजीरंगा नेशनल पार्क क्योलाडियो मानस नंदा देवी वेस्टर्न घाट ग्रेटर हिमालय ठीक है आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए जो यूनेस्को का पार्ट है और कौन सी एयर में डिक्लेयर हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए तो दिस इज़ ऑल एक्चुअल इन्फॉर्मेशन फॉर यू ठीक है आप यहाँ पर यह कल्चरल हैं कल्चर का आप लोग जो आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में करोगे आर्ट एंड कल्चर में तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसको करने का आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो बट अगर आपके पास लिस्ट है तो डेफिनेटली आपका हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में ये काम आएगा अपार्ट फ्रॉम कल्चरल एंड द नेचुरल हेरिटेज साइट इंडिया में जो है एकमात्र जो इंडिया की जो मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है कंचनजुंगा नेशनल पार्क जो 2016 में डिक्लेयर हुआ था और 2017 में जो है प्रलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आया था ठीक है आयु सी एन आयु सी एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर ठीक है एक आई इंटरनेशनली इट्स लाइक एन एन जी ओ एन जी ओ है ये इंटरनेशनली जो क्या करता है वर्ल्ड ओवर जो है वो फ्लोरा और फोना की प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है नाइनटीन सेव एट में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेड क्वार्टर जो है वो है स्विट्ज़रलैंड में सो सबसे ज़्यादा जो आई यू सी एन जाना जाता है वो जाना जाता है अपनी रेड लिस्ट के लिए रेड लिस्ट के लिए रेड so, लिस्ट के अंदर क्या इंक्लूड करता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता है जो सबसे ज़्यादा खतरे में होते हैं एक्चुअली कोई सबसे ज़्यादा वाले के नहीं इट्स अ लिस्ट और इस लिस्ट के अंदर कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन और भी हैं तो ये कैटेगरी बनाई गई हैं जिसके अंदर ये लोग जो है ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं जैसे इसके अंदर ये एम्फीबियंस को अलग से करते हैं कोरल्स को अलग से करते हैं फिशिज़ को अलग से करते हैं बर्ड्स को अलग से करते हैं ठीक है इट्स अ इट और ये जो बनाई गई है लिस्ट ये बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द देयर थ्रेट अकॉर्डिंग टू द थ्रेट और अकॉर्डिंग टू देर लेवल ऑफ सर्वाइवल उसके बेसिस पे बनाई जाती है तो सबसे पहले आपका एक्सटिंक्ट आ गया देखो एक्सटिंक्ट का तो क्या है पहले लिस्ट में नाम ऊपर तो एक्सटिंक्ट है मतलब दे डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर खत्म हो चुके हैं वो दुनियादारी से दैट इज द मीनिंग ऑफ इट ठीक है 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ फैक्चुअल इनफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे 41 परसेंट ऑफ द एम्फीबियंस एंड 33 परसेंट ऑफ द कोरल रीफ्स आर इन थ्रेटेंड कैटेगरीज मतलब ये खतरे में है भैया कभी भी खत्म हो सकते हैं सो वी तो इनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है आयुषियन रेड लिस्ट कैन भी डिवाइडेड इन फॉलोइंग नाइन कैटेगरीज एक्सटिंक्ट जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एक्सटिंट इन वाइल्ड जो जंगलों में ख़त्म हो चुके हैं लेकिन इसको जो है आप जू वगैरह में या किसी साइट पर देख सकते हो लेकिन जंगल में नहीं है ठीक है कुछ क्रिटीरिया यहाँ पे दिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज जो थर्ड पे है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज एंडेंजर्ड स्पीसीज और वल्नरेबल स्पीसीज इन तीनों को बोलते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज ठीक है तीनों को कंबाइन करके बोलते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज कुछ कंडीशंस uh, यहाँ पे दी हुई हैं क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए क्या क्या होना चाहिए पॉपुलेशन जो है 90 परसेंट से ज़्यादा वो डिस्टर रिड्यूस हो गई हो पिछले 10 सालों में ठीक है 80 80 परसेंट जो डिक्लेयर हो गई हो पिछले 10 सालों में या फिर तीन जनरेशन में जो भी ज़्यादा होता है ये देख थोड़ा सा टू जो है मेच्योर इंडिविजुअल्स होते हैं इसके टू फिफ्टी मेच्योर इंडिविजुअल्स होते हैं ठीक है तो थोड़ा सा आप इन क्राइटीरियाज़ को यहाँ पर पढ़ सकते हो ठीक है ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ टोटली फैक्चुअल ऐसे ही एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की भी कुछ कंडीशंस हैं आप इनको भी यहाँ पे देख सकते हो 70 परसेंट से ज़्यादा हैबिट जो है पॉपुलेशन रिड्यूस हो गया हो पिछले 10 साल में ठीक है आप 50 परसेंट से ज़्यादा रिड्यूस हो गया पिछली तीन जनरेशन में आप ये थोड़ा सा यहाँ पे 2500 जो है इसके मैच्योर इंडिविजुअल्स होते हैं ठीक है तो थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो यहाँ पे वनरेबल स्पीसीज़ की भी कुछ कंडीशन है 50 परसेंट लॉस हो गया हो 10 साल में 30 परसेंट लॉस हो गया पिछली तीन जनरेशन में ठीक है तो दस हज़ार तो मेच्योर इंडिविजुअल्स होते हैं थोड़ी थोड़ी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है तो आप इसको देख सकते हो नियर थ्रेट एंड लीस्ट कंसर्न एंड डेटा इज डेफिशेंट एंड द नॉन इवेलुएटेड तो इसका तो कोई मतलब नहीं है इन दोनों को तो ठीक है लीस कंसर्ट के भी हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये थ्रेटेंड नहीं है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो थ्रेटेंड होते हैं और उस थ्रेटेंड में भी जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं देखिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड बिल्कुल ऐसी स्टेज पर बैठे हैं अगर इनको थोड़ा सा भी हम लोग अगर लाइटली uh, अगर लेंगे तो ये जो है इस कैटेगरी में आ सकते हैं ई डब्ल्यू की कैटेगरी में आ सकते हैं यानी कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड तो अगर हम इसको बचाना चाहते हैं जंगलों में ठीक है तो हम लोग इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए अगर वो ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड वाली सिचुएशन में आ जाएंगे और एक बार एक्सटिंक इन वाइल्ड में आप चले गए तो फिर आप कंप्लीटली एक्सटिंट होने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं सो दैट इज़ वाई क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज जो होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो आपको इनकी पता भी होना चाहिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का ठीक है तो इंडिया में अगर क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की बात करूँ तो मैमल्स बर्ड्स इसकी लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पर दी हुई है ठीक है आप इसको देख सकते हो पढ़ सकते हो मेमोराइज कर सकते हो रेप्टाइल्स एम्फीबियंस इनकी लिस्ट दी हुई है ठीक है फिशिज़ कोरल स्पाइडर्स और रिसेंटली कुछ चेंज हुए हैं रेड लिस्ट में कुछ कुछ एनिमल्स जो हैं वो, वो अपडेट करते रहते हैं वो लोग है ना कुछ लोग जो है प्रमोट हो जाते हैं कुछ डिमोट हो जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अगर आप हर साल आपको देखिए गैको पे क्वेश्चन आ चुका है कोंडाना रैट पे क्वेश्चन आ चुका है पिगमी होग पे क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं ठीक है सो सोलोफ यू नीड टू नो अबाउट दीज आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं कौन से नेशनल पार्क में मिलते हैं इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से स्टेट्स में ये पाए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको पाए एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है अलग अलग जो है आ, स्टेट वाइज भी थोड़ा सा यहाँ पे हमने लिस्ट दी हुई है कि आंध्र प्रदेश में जो है वो कौन सा टाइगर रिजर्व है वहाँ पे कौन कौन से मेजरली आपको जो है कितना एरिया है उसका और कौन से वहाँ पे फ्लोरा फ्लोराफोना पाए जाते हैं ठीक है ये स्टेट वाइज भी थोड़ा सा हम लोगों ने अब ये रिसेंटली थोड़ा न्यूज़ में रहे हैं तो ये आपका पूरा करंट अफेयर यहाँ से कवर हो जाता है थोड़ा सा आप देख लेना यहाँ पे ठीक है मध्य प्रदेश में जो है बांधवगढ़ नौरादेही वन विहार नेशनल पार्क ठीक है तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो ये रिसेंटली न्यूज़ में था तो ये आपका करंट अफेयर यहाँ पार्ट यहाँ से कवर हो जाता है तेलंगाना एंड ऑल दैट ठीक है इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ठीक है एम हरियाली ऐप जो है वो लॉन्च की गई है ठीक है जिसके अंदर लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो है लगाने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है ठीक है रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है यू का यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू द क्लाइमेट टू कम्बार्ट डाइजर्टिफिकेशन नई दिल्ली में किया गया था ठीक है दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया होस्टेडेज सी ओ पी ऑफ द यू एन सी सी डी तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है तो थोड़ी थोड़ी सी जो है यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है रिसेंटली रिसेंटली जो है गोगा बिल इज डिक्लेयर्ड एज द बिहार फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व ठीक है कम्युनिटी Bihar तो रिजर्व किया गया है इट्स एन ओक्स बोल लेक बिहार बिहार कतिहार डिस्ट्रिक्ट इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लो ऑफ द रिवर महानंदा एंड द कंखार ठीक है तो कम्युनिटी रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया है कुछ तो कुछ यहाँ पे डाल को लोकस्ट अटैक को लेके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हो ठीक है लोकस्ट अटैक के बारे में तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ जब हम लोगों ने बायोटेक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था है ना अग्रीगेशन पढ़ा था उसमें हम लोगों ने एक अग्रीगेशन तो आप वो भी देख सकते हो कुछ एम सी क्यूज यहाँ पर दिया हुआ है ये टॉपिक अभी कवर नहीं हुआ है पूरा तो इसमें क्या है नेक्स्ट जब हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स की बातें करेंगे ठीक है सीबीडी की हम लोग बात करेंगे और कुछ नेशनल लेजिसलेटिव की हम लोग लेजिसलेचर्स की हम लोग बात करेंगे तब ये जाके टॉपिक जो है कंप्लीट कवर होगा ठीक है तो वो उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है क्योंकि वो आपका दिया हुआ है बुक में तो सेप एज अ सेपरेट चैप्टर ही हम उसको लेंगे लेकिन अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से किया होगा तो डेफिनेटली आप वहाँ पर लिंकेज बना सकते हो राइट सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे दैट इज ऑल फॉर द डे ठीक है थैंक यू वेरी मच और आप इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहिए देखते रहिए और जो भी आपको डाउट हो आप हमसे किसी भी समय पूछ सकते हैं थैंक यू